हमारे ही चैनल पे 3 साल पहले आपने बात की थी, दावा किया था इस मंत्रालय का उद्धार होगा। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जी जो जुड़ा नहीं है। देहरादून ISBT की बात कर लें तो वो कब दिन आएगा जब सरकार जो है उसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो अपनी तरफ से वहन कर पाएगी। इसको अंतिम चेतावनी दे दी है। चार धाम की यात्रा को लेकर के BJP ने और आप खास करके सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी। इस बार हम ग्रीन कार्ड सिस्टम को और ट्रिप कार्ड सिस्टम को 100% कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद हो पाए? अपने समाज के कल्याण की छवि सुधारने का ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। मदरसों को लेकर के हाईटेक करने की आपने एक शुरुआत की है। 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल गई जो सिमट धस्ता गया और खत्म हो गया। जनसंख्या का दबाव है जिस कारण जमीन बैठ रही। इस बात को कह सकते हैं कि देहरादून वाकई स्मार्ट सिटी बन गया। पहले से ज्यादा कुछ हुआ है। 22 साल के इस नौजवान को वो सब कुछ मिल पाया जिसकी दरकार उत्तराखंड लगाए बैठा। तो हमारे उत्तराखंड में क्या है जी? रोजगार मांगते हैं सरकारी नौकरी। रूबरू में खास मुलाकात परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ News World India पर।